मैं तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ. मुझे फ़िलहाल 2 साल से ज़्यादातर काम इधर ही किया है एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया है. यहाँ पे जो कहानियाँ हैं, जो जैसे हमें डिटेक्ट किया जाता है, जैसे एक्टर्स, जो एक्टर्स हमें मिलते हैं उनके टाइप की जो एक्टिंग है, इट्स नेचुरल, इट्स रियल एंड दैट्स द वर्क दैट आई लुक फॉर. एंड तो अब जो हॉल्ट वाला जी के साथ में आपका एसोसिएशन रहा है और कुछ ही घंटे हुए आपकी वेब सीरीज भी ऑन एयर हो चुकी है, yes. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, करके ये जानना चाहिए. आई लव्ड वर्किंग ऑन दैट शो, क्योंकि हमारा जो कास्ट था ना, इतना अच्छा कास्ट था. देवर सम वेरी बिग एक्टर्स दैर, लेकिन दे ट्रीटेड अस ऑल लाइक इक्वल्स. तो जो मेरा अपना जो कैरेक्टर था इस शो में, वो मेरी पर्सनैलिटी के बहुत पास है. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि कभी ऐसा लगता है ना कि एक अपनी विंडिकेशन हो जाती है एक कैरेक्टर प्ले करके. सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर फॉर दिस सीरीज. तो क्योंकि आप राइटर भी हैं, हाँ जी, और आप एक्ट भी करती हैं, तो और कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर? ये तो राइटिंग की बात करेंगे, लेकिन और मतलब सिंगिंग का भी टैलेंट है? एक बार ही हुआ करता था. जब मैं एक्चुअली थिएटर जब से 6 साल की थी तब से कर रही हूँ. तो पहले तो ये मेरी माँ ने मुझे एक थिएटर ग्रुप में डाला था, चिल्ड्रंस थिएटर ग्रुप, वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे बच्चों को करवाते हैं वैसे था. तो जब मैं 6 साल की थी तब से मैं ये कर रही हूँ. एंड आई वॉज ट्रेंड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. तो फॉर मैनी ईयर्स फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक में आई सैंग ऑन स्टेज, म्यूज़िकल थिएटर भी बहुत किया था. कहीं कहीं पे वो छूट गया. एंड अभी मैं एक्चुअली म्यूज़िक क्लास के लिए जाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इतना कोई जो चीज़ें हैं, इट्स नाइस टू नॉट हैव एन एम्बिशन. एक्टिंग में, राइटिंग में, ये करियर बन चुके हैं, ये प्रोफेशनल है. तो मज़ा तो आता है, लेकिन उसमें कुछ मतलब कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है. तो जब मैं ये म्यूज़िक क्लास में जाती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या होएगा. सो देर इज़ नो स्ट्रेस, सो देर इज़ जस्ट एन्जॉयमेंट. आप घर में गाना गा लेती हैं? हाँ हाँ, जब मैं नहाती हूँ तो कितने गाने आते हैं. कौन कौन से? ओके, तो राइटिंग की दुनिया में भी, क्योंकि तो राइटिंग और आगे इन फ्यूचर में हम आपको किस तरह की स्क्रिप्ट देखेंगे? लाइक सी राइटिंग मैंने एक्चुअली शुरू करी थी, क्योंकि जब मैं पहले बॉम्बे आई थी, उससे पहले मैं राइटर नहीं थी. ये एक्टिंग करते 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 मैं लोगों से मिलती थी, बात करती थी, एंड पीपल यूज टू इनकरेज मी कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक राइटर बैठा हुआ है. एंड ऐसे ही शुरू हो गया था. तो इस शो में एक्चुअली तनवीर बुकवाला जो इस शो के प्रोड्यूसर है, ही केम एंड सेड कि एकता वांट्स टू डू अ डिसफंक्शनल फैमिली शो एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू राइट इट विद मी. व्हाई इज़ दिस? बिकॉज हर राइटर और हर पर्सन का एक अपना प्रेफरेंस होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी एक्टिंग कर सकते हो, वो वर्सेटिलिटी तो बहुत ज़रूरी है. लेकिन एक ऑलवेज होएगा एक चीज़ जिससे आपको प्यार रहता है, जिसका आप नेचुरली यू विल बी गुड एट इट. सो वो मेरे लिए द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई ऑलवेज लाइक ये जो स्टोरीज जो रिलेशनशिप्स की होती हैं, कोई भी रिलेशनशिप, वेदर इट्स फैमिली रिलेशनशिप, वेदर इट्स रिलेशनशिप ऑफ टू लवर्स, ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ ब्रदर सिस्टर, यू नो एनी थिंग, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग. वो दुनिया जो बन जाती है दो लोगों के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपने अंदर भी एक दुनिया है और दो लोगों के बीच में भी एक पूरी दुनिया है. एंड दैट फॉर मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो जो भी मैं लिखती हूँ, जो मेरे को मज़ा आता है लिखने में, वो ऐसी कहानियाँ होती हैं. तो जो आपने देखा है, जो भी मैंने लिखा है, वो ऐसी ही टाइप के जोन में है. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू राइट एनी थिंग टू चैलेंज माई सेल्फ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वे आई फील आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज दिस स्पेस. ओके, तो क्योंकि आपकी वर्ड ऑफ होप भी आ रही है एंड ये किसका भी ऑल्ट बालाजी का भी, शूटिंग के दौरान कितना एंजॉय करती हैं आप? वाइल वे शूटिंग शूटिंग मेरा एक्चुअली बहुत गुड लक है कि जिसके साथ मैं आई हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स विद ऑल माई को एक्टर्स. सो व्हाट द फोक्स, तो अब हम सीज़न 2 कर रहे हैं, तो ये जो पूरी टीम है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक साथ काम किया हुआ है. लेकिन जो सीज़न 1 में भी जो मैंने काम किया था, मैं एक्चुअली सिर्फ वो फैमिली के साथ 3-4 दिन के लिए थी. और नोबडी कैन टेल दैट वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली. सो आई थिंक जो हमारा लक है, जो कास्टिंग हुई थी, वो एक्टर्स की इतनी सिमिलर सेंसिबिलिटी थी कि इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर अस टू बी टुगेदर, एक्ट टुगेदर, एंड वे ऑल स्टिल फ्रेंड्स. मतलब अभी भी जो उनके जो डायरेक्टर हैं, इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, अभी भी हम सब मिलते रहते हैं. ये नहीं होता है इतना ऑफ्टन शूट्स में. सेम थिंग जैसे डिसफंक्शनल फैमिली में, द फर्स्ट टाइम आई मेट वरुण, क्या हुआ था कि एक शॉट को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ कैमरा की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड वी हैड टू वेट.
तो हम 12 घंटे रुके थे और हमारी वैनिटी वैन एक साथ थी, हमने दरवाज़ा खोला और हम पहली बार ऐसे मिल रहे थे, तो हमने 12 घंटे मतलब बैठ के बातें करी. सो जो लोग बहुत बोलते हैं कि इट्स जो भी फोटोज़ देखते हैं या शो को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो लगता है कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. ये उसी दिन से शुरू हुई थी क्योंकि 12 घंटे में लोगों को मतलब इट्स मोर देन अ लाइफ टाइम टू एक्चुअली सिट अलोन इन अ रूम विद समवन फॉर 12 आवर्स. यू कैन गेट टू नो देम वेरी वेल. सो आई थिंक ही व्हाटएवर वी बिल्ट एक्चुअली केम फ्रॉम दैट. यस, एंड क्योंकि अब पार्ट 2 भी आ रहा है कह सकते हैं वर्ड ऑफ होप का, तो जब पहले ही फर्स्ट पार्ट इतना एप्रिशिएट किया गया था, लोगों को पसंद आता है, तो सेकंड पार्ट के लिए कितनी एक्साइटेड होती है ईशा? सेकेंड पार्ट के लिए एक्चुअली एक नर्वसनेस होती है बिकॉज हमने जो अपना काम कर लिया और हमने अच्छी तरह किया, और आप ऐसे देखा जाए तो अभी नाउ वी नो दिस कैरेक्टर बेटर, वी नो दिस दिस पीपल बेटर एवरीथिंग. लेकिन क्या होता है ना कि एक थोड़ा डर रहता है कि लोगों को ये उतना ही अच्छा लगे और ज़्यादा अच्छा लगे. इस टाइम व्हाट द फोक्स के लिए इट्स नॉट ओनली जोक्स, दिस ड्रामा. आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा, सो आप देख सकते हैं कि मतलब उसमें सिचुएशंस तो हैं लेकिन ड्रामा भी है, रोना भी है, मतलब बहुत अंदर इट गोज डीपर. सो वी आर डूइंग दैट एंड वी होप दैट पीपल विल लाइक दैट. क्योंकि थोड़ा सा आप हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह का, या पार्ट 1 को ये कंटिन्यू स्टोरी करेगी, यहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा? सो जो आप व्हाट द फक सीजन 1 में जो अनीता का कैरेक्टर था वो मतलब शायद मैं गलत हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से ये पहली बार किसी ने ये वेब स्पेस में ऐसा कैरेक्टर देखा था जो इतनी स्ट्रांग वुमन थी. शी वॉज, वो अपने हस्बैंड से उम्र में ज़्यादा बड़ी थी, वो स्टैचर में ज़्यादा बड़ी थी, उसकी सैलरी हायर थी, उसकी जॉब हायर थी, हर चीज़ में वो अपने हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा थी. एंड बट शी वॉज कूल विद इट एंड ही वॉज कूल विद इट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि उसके हस्बैंड का जो एटीट्यूड था वो वेरी नॉर्मल था, ही वॉजंट फीलिंग स्मॉल बिकॉज ऑफ हु शी वॉज. So that's something that's very empowering for her, because she would never be with the kind of guy who has an issue with this. She's a feminist. So ab season 2 mein kya hota hai ki, aur wo usko kehti hai up to her family that you treat him like he's your son, and she tells him you treat them like they're your family. Now ab season 2 mein kya hota hai ki jo aisi aurat hai uske paas ab uske husband ki family aake reh rahi hai, and suddenly she's doing funny things जो उसको नहीं समझ आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. कि मुझे वो शुरू में ही कहती है ना, आई नीड एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, सो व्हाई डज शी नीड थिंग्स टू बी परफेक्ट. उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, एंड शी इज़ नॉट दैट पर्सन. तो ये उसका कॉन्फ्लिक्ट है इस सीजन में कि शी इज़ ट्राइंग टू कीप एवरीवन हैप्पी बट शी इज़ नेवर डन दैट इन हर लाइफ. सो समवेयर कि जो इंडियन वुमेन की कंडीशनिंग है ना, शायद हमारी जनरेशन अलग है, लेकिन हमने तो अपनी माँ को देखा है, अपनी दादी को देखा है, अपनी नानी को देखा है, जो मतलब अपने ससुराल में जो भी है उधर तो मतलब थोड़ी शांति रखते हैं, मतलब तो थोड़ा मुस्कुराते हैं. सो समवेयर वो जो उसमें कंडीशनिंग आ गई है, इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अबाउट हाउ शी डील्स विद बीइंग हरसेल्फ एंड देन आल्सो समवेयर जो ये जो जो नज़रिया है वो कैसे तोड़ना है. सो लाइक दैट. तो आई थिंक ये जो सेकंड पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि मतलब मेरी तो आदत बन गई ये स्ट्रांग वुमेन प्ले करने की. तो सडनली व्हेन आई रेड दैट आई एम लाइक व्हाई इज शी टचिंग द फीट, यू नो. जब मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा है अनीता तो ऐसा नहीं करती, एंड दे आर टेलिंग मी एग्जैक्टली अनीता ये नहीं करती है, विच इज़ वाई इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि अनीता इज डूइंग थिंग्स शी डजंट नॉर्मली डू. सो दैट लिटिल ब्रेक इन द कैरेक्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज. रियल लाइफ से कभी अपने आप को अटैच करती है? ऑलवेज ऑलवेज. सो हर एक्टर का एक अलग मेथड होता है ना, वो जो मेथड है वो एक्टर के लिए पर्सनल है, ऑडियंस के लिए डायरेक्टर के लिए रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है. तो एज लॉन्ग एज रिजल्ट आ जाए वो ठीक है. मैं जब मेरा जो प्रेपरेशन होता है ना वो पढ़ने के टाइम पे होता है. सो व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट आई सी कि मेरे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इस कैरेक्टर में जो मैं रख सकती हूँ, और क्या चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी पड़ेंगी. सो एक जो वो वेन डायग्राम होता है ना, कहाँ मैं और ये कैरेक्टर मिलते हैं, मैं उसकी तलाश में रहती हूँ. और जब शूट पर जाते हैं तो फिर जो भी आता है. तो प्रेपरेशन मेरी पढ़ने के टाइम पर होती है, जब शूट पे पहुंच जाते हैं फिर देखते हैं क्या निकल आता है. क्या ये तो होना चाहिए ना, इतना स्पॉन्टेनिटी तो होना चाहिए. क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन फ्यूचर ऐसे लाइक वेब सीरीज की मैं बात करूं या शॉर्ट फिल्म की बात करूं या फिल्मों की बात करूं, स्ट्रांग वुमेन के ऊपर ऐसा कोई कैरेक्टर आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे? मैं
जिसमें आप खुद प्ले करें, या फिर मैं ये पूछूं कि कोई ऐसी स्ट्रांग पर्सनालिटी है या स्ट्रांग वुमेन है जो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार इनके अगर मैं लाइक बायोपिक करते हैं या इनके ऊपर अगर मैं ऐसा कुछ करूं, ऐसा कुछ सोचते हैं आप एज अ राइटर? आई हैव नॉट थॉट ऑफ एनी वन पर्सन की जो मुझे डिपिक्ट करना है. समवेयर एवरी राइटर इज थिंकिंग कि मैं क्या प्ले कर सकती हूँ इफ देयर एन एक्टर इज वेल. The idea of a strong woman, see, I don't, I think somewhere, as a society, we have a responsibility. Abhi jo time chal raha hai, it's very important to project strong women so that other women have good role models, you know. Aisa nahi hai ki they're not weak people that that have to have stories written about them, ye bhi hai. Lekin somewhere that character should emerge strong. So, I think ki jo kala hai, wo kabhi society se alag nahi honi chahiye. Aur jo kalakar hai, unki responsibility yahi rehti hai. कि सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, नहीं तो मतलब हम आर्ट क्यों बनाएं. सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट एज अ राइटर एज एन एक्टर दैट यू प्रोजेक्ट द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू वांट टू बी सो दैट पीपल हैव गुड रोल मॉडल्स. ये तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आपने कहा कि आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती, तो कोई एक दो गाने हमें सुना सकते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. इंटरव्यू तो डन हो गया. नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई. मैं कोई बंदर थोड़ी हूँ यार, मैं नहीं गाऊंगी यार. मैं थोड़ी एक और क्लासेस वगैरह करने दो, फिर मैं आपके लिए कुछ गाना गा दूंगी. आपकी मर्जी. मी टू की बातें तो हो ही रही है कि मी टू के अलावा हम देखते हैं कि नॉट अशेम्ड जो होता है जिनके साथ में होता है, लेकिन जो लोग आगे नहीं आना चाहते, हमारे सोसाइटी से डरते हैं, सोचते हैं क्या है हमें समाज क्या कहेगा या पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं, ऐसी सारी चीजें बहुत होती है. इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप ईशा जी का? पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि जो भी विक्टिम होए, अगर आप कुछ इसके बारे में, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मेरी सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है, कि जो विक्टिम होता है ना उनको बहुत शर्म आती है, बिकॉज समवेयर दैट उनको लगता है कि ये मेरी गलती थी, कि मैं इस पोजीशन में थी, मैं क्यों वहाँ थी, मैं क्यों उससे बात कर रही थी. तो जो विक्टिम होता है वो किसी और की शेम लेके बहुत सालों तक रहते हैं. तो जो अभी बात हो रही है, क्योंकि जो लोग आगे आ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बाकी सारे विक्टिम्स हैं उनको समझ आ जाएगा कि जब कोई है जिनके पास वही स्टोरी है जो तुम्हारी स्टोरी है, तो फिर उनको समझ आ जाएगा कि देखो ये जो शर्म है वो तुम्हारी नहीं है, वो उसकी शर्म है. एंड दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट अबाउट मी टू. थैंक यू. थैंक यू सर.